तो जैसा कि दोस्तों जियो का 4G फीचर फोन जो है इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी डाउट्स हैं कि इसमें कौन से फीचर्स मिलेंगे कौन से नहीं मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन में आपको कौन कौन से फीचर मिलने वाले हैं और आपके कौन से सवाल हैं जिनके जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल आता है इसके प्राइस के बारे में। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि ये फ्री है, इफेक्टिवली फ्री है, 1500 रुपये का है या तो फिर 500 रुपये का है। तो देखिए दोस्तों, ये इफेक्टिवली फ्री है यानी कि 0 रुपीज़ है इसकी प्राइस, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे, तब आपको फ़ोन मिल जाएगा। और आप 3 साल इस फ़ोन को यूज़ करने के बाद अगर रिटर्न करते हैं तो आपको 1500 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन ये चीज़ आप भूल जाइए, मेरी बात माने तो आप ये सोच कर चलिए कि आपने 1500 रुपये दिया है और ये फ़ोन ख़रीदा है, क्योंकि 3 साल तक आप इस फ़ोन को जो है बहुत कम ही लोग होंगे जो सही सलामत रख पाएंगे, क्योंकि फ़ोन सही सलामत रहेगा तभी ये रिटर्न होगा और आपको पैसे मिलेंगे। अब चलिए दोस्तों बाकी चीज़ें जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें आपको बिल्ड के तौर पर मिलेगा प्लास्टिक बॉडी और 2.4 इंच का QVGA डिस्प्ले, और इसके साथ ही आपको जो है यहाँ पर 512 MB की रैम मिल जाएगी, 4GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी जिसे एक्सपेंड कर सकते हैं आप जो है 128 GB तक के मेमोरी कार्ड के साथ, जो कि एक फीचर फ़ोन के लिए बहुत होता है। यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाएगा सामने और पीछे की ओर 2-2 मेगापिक्सल की, जो कि फ़ोन के आने के बाद जो है पता चलेगा रियल चीज़। अभी फ़िलहाल जो खबर आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि फ्रंट और रियर कैमरा जो है 2-2 मेगापिक्सल के होंगे। अब इसमें बैटरी मिलेगा आपको 2000 mAh की, जो कि एक फीचर फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा होती है और आप इसे आसानी से यूज में ले सकते हैं। और एक खास बात दोस्तों कि क्या इसमें जो है डुअल सिम है या तो फिर सिंगल सिम है। तो देखिए, अभी दोनों तरफ से खबरें आ रही हैं, ये सिंगल सिम की भी है और डुअल सिम भी है। तो अभी जब मोबाइल आ जाएगा तब ये कन्फर्म हो पाएगा कि आखिर ये डुअल सिम है या तो फिर सिंगल सिम है। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि इसमें आपको जियो की ही सिम लगानी पड़ेगी, जियो की 4G सिम के बगैर ये मोबाइल नहीं चला सकते आप। तो एक सिम तो जो है आपको जियो की 4G लगानी ही पड़ेगी। अब उसके बाद मोबाइल आने पर ही पता चलेगा कि ये डुअल सिम है या तो फिर नहीं है। अब चलिए दोस्तों इसके की फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें आपको जो है ब्लूटूथ मिल जाएगा, वाईफाई मिल जाएगा, उसके बाद GPS मिल जाएगा, हॉटस्पॉट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इसके साथ आपको लाइट TV मिल जाएगा, टॉर्च मिल जाएगा और स्क्रीन कास्टिंग भी मिल जाएगी। स्क्रीन कास्टिंग के लिए आपको जो है एक अलग से किट लेनी पड़ेगी जो इसके साथ आने वाला है, और उसके ज़रिए आप जो है अपने मोबाइल से डायरेक्ट TV में कनेक्ट करके उसे TV चला सकते हैं, चाहे वो पुराना TV हो, स्मार्ट TV हो या तो फिर कोई सा भी LED TV हो। अब इसमें बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है। बहुत सारे लोगों के मन में जो है ये डाउट है कि क्या ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगा या तो फिर इसके लिए कोई अलग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो है एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, इसमें आपको मिलेगा जो है काइजन स्टोर। तो काइजन OS बेस पे ये जो है मोबाइल चलेगा और ये दरअसल एक जो है फायरफॉक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अभी अभी डेवलप हुआ है। तो अब ये सवाल आता है कि क्या जो एंड्रॉयड में हमको जो ऐप्स मिल जाते हैं तो क्या काइजन स्टोर में भी हमको ये सब सारी चीज़ें ऐप्स मिलेंगी। तो दोस्तों इसका जवाब है कि अभी जो सामने आ रही हैं कुछ ऐप्स आपको अभी मिल जाएंगी, और ये जैसे जैसे आगे डेवलप होते जाएगा आपको और भी ऐप्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए जो ऐप्स यहाँ पर दिखाई जा रही हैं वो है आपको फेसबुक, यूट्यूब, उसके साथ ही आपको यहाँ पर ब्राउज़र मिल जाएगा, और इसमें आपको व्हाट्सएप नहीं मिलेगा। एक ख़ास बात यह है, व्हाट्सएप अभी जो खबर है व्हाट्सएप आपको इसमें नहीं मिलेगा। जियो के सारे ऐप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे JioTV, JioMax, JioMusic, और अगर आप जो है व्हाट्सएप के बारे में सोच रहे हैं तो व्हाट्सएप आगे जो है मिलने वाला है यहाँ पर ऐप्स, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ये आगे आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके जो है प्लान के बारे में। इसमें आपको प्लान मिल रहा है 153 का, जिसमें आपको मिलेगा 500 MB की हाई स्पीड डाटा पर डे के हिसाब से। तो यानी कि आपको पर मंथ मिलेगा 14 GB की डाटा मिलेगी, और आप सोच रहे होंगे कि 500 MB कम पड़ न जाए इस मोबाइल के लिए। तो बिल्कुल नहीं कम पड़ेगा, क्योंकि
क्योंकि इसकी 2.4 इंच डिस्प्ले के हिसाब से 500 एमबी भी बहुत होता है, आप आसानी से इसे यूज में ले सकते हैं। अब दोस्तों कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि हो सकता है आपको पहले रिचार्ज पर जो है 3 महीने तक का जो है इसमें एक्सपेंड कर दिया जाए, 3 महीने तक के लिए ऑफर दे दिया जाए, जो कि वो फ़ोन लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा, फ़ोन मार्केट में आने के बाद ही पता चलेगा। अब दोस्तों इसके अलावा अगर आप लाइव टीवी चलाना चाहते हैं, इसमें स्ट्रीम करना चाहते हैं, तो आपको डलवाना पड़ेगा एक्स्ट्रा रिचार्ज 309 रुपये का, जिसमें आप लाइव टीवी स्ट्रीम कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 घंटे के लिए आराम से आप इसमें टीवी चला सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 1 GB पर डे के हिसाब से डाटा मिलेगा 28 दिनों के लिए। अब दोस्तों ये बात आती है कि ये फ़ोन कब से मिलना शुरू हो जाएगा, तो देखिए इसके लिए आप नोटिफाई कर सकते हैं। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था कि कैसे बुक करना है, तो सेम उसी तरीके से आप रजिस्टर करके इसकी नोटिफाई पा सकते हैं बुकिंग के लिए और इसकी अवेलेबिलिटी के लिए। तो अभी जो खबरें हैं वो मोबाइल्स जो है, जो लोग अभी से बुकिंग करना शुरू कर देंगे, यानी कि जब से बुकिंग शुरू होगी, तो सबसे पहले जिन लोगों ने बुकिंग कराया है उनको सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा ये मोबाइल। तो दोस्तों ये था जियो के फीचर फ़ोन के बारे में पूरी जानकारी, और आशा रखता हूँ कि आपके जो भी सवाल होंगे इस वीडियो के ज़रिए आपको वो जवाब मिल गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।